हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा छठी के ई लर्निंग हिंदी के वसंत के कक्षा में। हफ्ते का पहला दिन है, कैसे हैं आप सभी? अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को साथी हाथ बढ़ाना नामक जो पाठ है उसको पढ़ाया था, और उसके बाद मैंने उसके मीनिंग को समझाने के बाद उसके वन सेट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को प्रोवाइड किए। अभी मैं जो करने वाली हूँ वो है कि मैं आप लोगों को उसी मतलब चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट टू प्रोवाइड करने वाली। अब आप लोग सोचेंगे कि मैम आप तो स्कूल में ऐसे ऐसे नामक चैप्टर पढ़ा रही थी। हाँ बिल्कुल सही है बात, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसे ऐसे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसको हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश करने के बाद करेंगे। ज़रूर करेंगे, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, लेकिन पहले इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे फिर उसको शुरुआत करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। तो क्वेश्चन आंसर्स में हम लोगों ने, मुझे जहाँ तक याद है, 6 क्वेश्चंस किए थे, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है, मेहनत वालों के मिलकर कदम बढ़ाने से क्या होता है? मेहनत वालों के मिलकर कदम बढ़ाने से क्या होता है? इसका उत्तर होगा, मेहनत वालों के मिलकर कदम बढ़ाने से सागर रास्ता छोड़ देता है और पर्वत शीश झुकाता है। सागर रास्ता छोड़ देता है और पर्वत शीश झुकाता है। ठीक है, शैल आई रिपीट? अच्छा चलिए, मेहनत वालों के मिलकर कदम बढ़ाने से सागर रास्ता छोड़ देता है और पर्वत शीश झुकाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहनत करने वालों के सीने और बाहें कैसे होते हैं? मेहनत करने वालों के सीने और बाहें कैसे होते हैं? मेहनत करने वालों के सीने और बाहें फौलादी होते हैं। मेहनत करने वालों के सीने और बाहें फौलादी होते हैं, अर्थात वे बहुत मजबूत होते हैं। देखिए, फौलादी मतलब आग, अंगार भरा हुआ, विच इज़ लिटरली नॉट पॉसिबल। तो फिर क्या होना चाहिए? तो इसका मतलब, इसका कवि ने ऐसा प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि इसका मतलब उनके सीने और उनकी बाहें बहुत मजबूत होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मेहनत करने वालों की मंजिल क्या होती है? मेहनत करने वालों की मंजिल क्या होती है? मेहनत करने वाले हमेशा सच की मंजिल तय करते हैं। मेहनत करने वाले हमेशा सच की मंजिल तय करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक से एक मिलने पर क्या क्या होता है? एक से एक मिलने पर क्या क्या होता है? एक से एक मिलने पर बहुत कुछ बोला गया था कविता में, तो इसका जवाब होगा, एक से एक मिलने से कतरा जर्रा राई तथा इंसान, कतरा जर्रा राई तथा इंसान क्रमशः दरिया सहरा पर्वत आदि बन जाते हैं। दरिया सहरा पर्वत आदि बन जाते हैं। क्रमशः का मतलब रेस्पेक्टिवली। हम लोग बहुत कुछ बोल के लास्ट में दो सेट देने के बाद लिखते हैं ना, रेस्पेक्टिवली मतलब इसके साथ ऐसा होता है, तो इसी को कहा गया है। बहुत सारा एक साथ था इसलिए मैंने आदि कर दिया है। ठीक है ना, और एक और बात, यहाँ पे इंसान हमारे कविता में लिखा है लेकिन वो पोएटिक यूज़ है, उसका एक्चुअल स्पेलिंग इंसान है, ना है, तो मैंने आंसर में वही आप लोगों को कहा है। मैं रिपीट कर देती हूँ, एक से एक मिलने से कतरा जर्रा राई तथा इंसान क्रमशः दरिया सहरा पर्वत आदि बन जाते। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही। खैरियत से रहिए, घर पर रहिए। धन्यवाद।